हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और आज हम पढ़ेंगे जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री का हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसका ये हमारा फोर्थ पार्ट है। तो अभी तक हम 100 क्वेश्चन तो कर चुके हैं तीन पार्ट्स में, ओके। और अभी हम ये फोर्थ पार्ट देखेंगे। इसमें जो हमारा क्वेश्चन सीरीज रहेगी, ये जो डेक्कन डायनेस्टीज हैं यानी दक्षिण भारत की जो डायनेस्टीज हैं और संगम एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं SSC के एग्जाम्स में पिछले सालों में, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा शुरुआत से चल रहा है, जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरुआत किया था, जो उसके बाद मगध एम्पायर, उसके बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्य एम्पायर, उसके बाद हमने देखा जो गुप्ता पीरियड है और पोस्ट मौर्यन पीरियड है, ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आप पहले के तीन पार्ट देखना चाहो तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि डेक्कन डायनेस्टीज और संगम एज से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं SSC ने। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी। वो भारत का पहला रूलर कौन था जिसने जो अरेबियन सी है, अरब सागर है, उसमें भारतीय नेवी का सबसे पहले सुप्रीमेसी स्टार्ट की, उसने पावर को दिखाया। तो ये था पहले राजा राज बोलते हैं इसको, राजा राज प्रथम, और ये चोल डायनेस्टी का रूलर था। चोला डायनेस्टी का रूलर था। आपको याद होगा मैंने बताया था मैप में, हमने संगम एज को भी पढ़ा था और चेरा चोला और पांड्या जो डायनेस्टी है उनको भी पढ़ा था। तो ये जो अरेबियन सी के फ्रंट पे लगता है ये इलाका था चोला का, ये था हमारा चेरा चोला और पांड्या, ठीक है। यहाँ चोला था और यहाँ नीचे पांड्या, चेरा चोला और पांड्या डायनेस्टी जो थी, इन्होंने इस एरिया में दक्षिण भारत के नीचे वाला प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पे शासन किया था, जो पहली से लेके आप छठी सातवीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया था, काफी लंबे अरसे तक शासन किया था। और तीनों के बीच में एक जो बाउंड्रीज को लेके, एक्सपांशन को लेके लड़ाइयाँ भी इनके बीच में चलती रहती थी, तो इनका एरिया फिक्स नहीं था। कभी कभी चोला व डायनेस्टी ने यहाँ तक भी शासन किया है, पांड्या डायनेस्टी ने भी यहाँ तक किया है, तो इनके बीच में एक त्रिकोणीय संघर्ष चलता रहता था। जिस तरीके से राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार और पाल डायनेस्टी के बीच में संघर्ष चलता था, उसी तरीके से इनके बीच में भी संघर्ष चलता था, ठीक है। इन तमिल लिटरेचर द ग्लोरियस बुक शिप्ला करिगनम और मनी मेलकाल, ये जो दो बुक्स हैं ये किससे रिलेटेड है? देखो ये जो मैं प्रोनाउंसिएशन करूंगा, तमिल और जो मेरे कन्नड़ के जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं इन चीज़ों के लिए आपसे पहले से ही माफी मांगूंगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये पूछा है, और ये क्वेश्चन जब पूछा गया था SSC ने तो इसका आंसर तो बुद्धिज्म दे रखा है, ठीक है। हालांकि बुद्धिज्म से रिलेटेड ये जो टेक्स्ट है ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, लेकिन ये दूसरा जो टेक्स्ट है सिपाकरणम, ये भी संगम एज में लिखा गया था और ये जैन लिटरेचर है, जैन इपिक है ये, ठीक है। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म इसके दोनों आंसर होने चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे बुद्धिज्म आंसर दे रखा था। तो आपको जब दोबारा मिलेगा तो इसमें ये जो एरर है इसको ठीक करके देगा ऑब्वियसली, तो बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों का अलग अलग नाम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाउ वॉज बर्मा नाउ म्यांमार नाउ टू एंशियंट इंडियन, जो आज के समय म्यांमार देश है हमारे यहाँ पे पड़ता है म्यांमार, अगर दक्षिण भारत की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है जो ये बोलते हैं हम, एशियन कंट्रीज में से आता है म्यांमार। तो म्यांमार को पहले बर्मा भी बोलते थे, ये बात तो आप सभी को पता है, लेकिन बर्मा को पहले जो प्राचीन भारतीय थे वो किस नाम से जानते थे? तो ये जानते थे स्वर्ण भूमि। क्या होती है? लैंड ऑफ गोल्ड यानी कि सोने की जमीन, ये बोलते थे। तो स्वर्ण भूमि के किसको नाम, किसको जाना जाता था? म्यांमार को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विच डायनेस्टी सक्सीड द चालुक्याज इन वेस्टर्न इंडिया, तो जो दक्षिण वेस्टर्न भारत है, ये जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न इंडिया वाला इलाका है, यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी को किसने इसको स्टार्ट किया? तो आपको एक याद होगा कि एक रूलर था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन, ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, पुलकेशिन द्वितीय जो था इसने हर्षवर्धन को भी हराया था, और ये हर्षवर्धन जो था दक्षिण अपना नॉर्थ इंडिया का जो रूलर था नॉर्थ इंडिया में, अगर ये मैप में मैं देखूं तो यहाँ पे नर्मदा नदी के से ऊपर वाला जो इलाका है ये नर्मदा नदी मान लीजिए, यहाँ पे हर्षवर्धन था, हर्षा का अम्पायर था, और नीचे की तरफ पुलकेशिन द्वितीय का था। और पुलकेशिन द्वितीय जो था ये कौन सी डायनेस्टी का था? ये था चालुक्य डायनेस्टी का, ठीक है।
तो चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ये अहोल अहोल जो इंस्क्रिप्शन है उनमें भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। 600 लगभग 616 में हराया था, 616 एडी में हराया था। हर्षवर्धन का टाइम आपको याद होगा 606 से लेके 647 एडी के बीच में था, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय भी इसी के कंटेम्प्रेरी था। तो पुलकेशिन द्वितीय को जो एक राजा था नरसिंह वर्मन प्रथम, ये थोड़े नाम थोड़े जैसे हैं, नरसिंह वर्मन फर्स्ट इसने हराया था। अब ये नरसिंह वर्मन प्रथम जो है ये कौन सी डायनेस्टी का था, ये पूछा है कि इसको हटा के, जब चालुक्यों को हटा के दूसरा डायनेस्टी आई तो वो कौन सी थी, वो थी पल्लव डायनेस्टी थी। देखो पल्लव में ध्यान रखना है, पल्लव अलग डायनेस्टी है, पांड्या नीचे की तरफ अलग डायनेस्टी है, तो ध्यान रखना ये पल्लव डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया था, यहाँ पे पांड्या डायनेस्टी ने किया था। और ये पल्लव डायनेस्टी जो है ये आपको थोड़ा सा इसका मैंने ढंग से इतिहास उसे बताया है पल्लव डायनेस्टी का, लेकिन इससे भी आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। एक पल्लव पहले भी हुआ करते थे, जब इंडो ग्रीक आए थे भारत में, इंडो सीथियन आए थे उसके समय, और एक आए थे इंडियो पर्थियन, पर्थियन को पल्लव बोला जाता था। और ये जो आए हैं ये इनको ये पल्लव वंश है, ठीक है, दोनों को ध्यान रखना। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो पर्थियन जो थे और या पल्लव जो थे वही इनके वंशज हैं, ठीक है, इन पल्लव डायनेस्टी के, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से दोबारा से पल्लव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। नरसिंह वर्मन जो है ये चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स को, पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है, ठीक है, ये ध्यान रखनी है बात। उसके बाद है नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ पल्लवा, पल्लव डायनेस्टी के जो रूलर थे उनकी कैपिटल कौन सी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है कांचीपुरम। ए इसका आंसर रहेगा कांची, या इसको कांचीपुरम भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं सिटी ऑफ एंड 1000 टेम्पल्स, 1000 मंदिरों का शहर कौन सा है, कांचीपुरम, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये पल्लव डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनकी शुरुआत में यही कैपिटल थी, ठीक है, ओके। उसके बाद आती है, और ये जो चालुक्य डायनेस्टी थी उनकी वो कौन सी थी, अभी मैं चालुक्य की बता रहा था, वो वतापी के चालुक्य या बदामी के चालुक्य जाने जाते थे, तो वतापी जो था वो चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी, उनकी राजधानी थी। सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ रेन ऑफ, किसके समय में ये जो पहले क्रिश्चियन जो थे सेंट थॉमस ये भारत में आए थे, इसे ये जो क्रिश्चियनिटी है धर्म है इसका प्रचार प्रसार करने के लिए। देखो पहली शताब्दी में सेंट जीसस के जन्म के बाद, जो जीसस क्राइस्ट का जन्म है उसके बाद पहली शताब्दी में ही, फर्स्ट सेंचुरी एडी में ही भारत में ये क्रिश्चियन मिशनरी आ गए थे, यानी कि ये जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले मिशनरी ग्रुप होते हैं ये भारत में आ गए थे। तो इस समय कौन किसका शासन चल रहा था भारत में, ये पूछा गया है आपसे। तो ये चल रहा था आपका पहली शताब्दी है, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, पहली शताब्दी है, और इस समय पर्थियन जो थे आपको याद होगा, देखो ये तो रूलर बाद के हैं, ये हालांकि पहली दक्षिण भारत की बात करें, चेरा चोला और पांड्या का समय शुरू हो गया था, लेकिन पर्थियन जो हैं, इंडो पर्थियन जिनको बोलते हैं, इंडो पर्थियन भी बोलते हैं इनको, और एकदम मैं बता दूँ पहलव भी बोलते हैं, पहलव एस वाला पहलव रूल, ये जो थे ये कुषाण डायनेस्टी जो थी लगभग उसी के समकालीन थी। तो इनके समय पे क्रिश्चियन ये जो भगवान जो जीसस क्राइस्ट हैं इनकी डेथ के बाद तुरंत ही ये आ गए थे यहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई धर्म का, कौन आए थे, सेंट थॉमस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात तो भारत में सबसे पहले कौन आए थे, उस मिशनरी का नाम क्या है, ठीक है, तो ये है सेंट थॉमस। और भारत में ये पहली बार कब आए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पहली शताब्दी में ही आ गए थे, उस समय भारत में कौन रूल कर रहा था, तो पर्थियन रूलर्स रूल कर रहे थे, ठीक है। अब आ गया हमारा क्वेश्चन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हर्षवर्धना वॉज डिफीटेड बाई, जो हर्षवर्धन है, ठीक है, हर्षवर्धन जो है वो नर्मदा नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था उसमें किसके द्वारा हराए गए, तो चालुक्य रूलर पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय इसने हराया था हर्षवर्धन को, ठीक है, 616-618 एडी के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर है होयासाला कैपिटल,
ये जो होयसाला डायनेस्टी है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इन्होंने भी काफी लंबे तक समय तक शासन किया है, लेकिन इनके बारे में पूछा है कि इनकी कैपिटल कौन सी हुआ करती थी। तो इनकी कैपिटल हुआ करती थी द्वारा समुद्र, द्वार समुद्र जो है वो इनकी कैपिटल हुआ करती थी। विष्णु वर्मन ने इसकी शुरुआत की थी, इस डायनेस्टी की, विष्णु विष्णु वर्मन, विष्णु वर्मन कौन था इसका फाउंडर था इस डायनेस्टी का, और शुरुआत में बेलूर इसकी कैपिटल हुआ करती थी, बेलूर, और बाद में इसकी द्वार समुद्र जो है वो कैपिटल बना दी गई थी। तो द्वार समुद्र आपको रिप्लाई करना है, इन केस अगर द्वार समुद्र नहीं मिले तो बेलूर मिलेगा, दोनों में से जो भी मिल जाए उसका रिप्लाई करना है। तो 10वीं से लेकर लगभग 14वीं शताब्दी तक, 14th century तक इस डायनेस्टी ने थोड़े से भाग में शासन किया है, ठीक है, दक्षिण भारत में ही। होयसाला, ठीक। अब बोला है कि संगम एज इज एसोसिएट विद द हिस्ट्री ऑफ, ये जो संगम एज है इससे ये किसकी हिस्ट्री बताती है। देखो बनारस, अलाहाबाद, खजुराहो, ये तो उत्तर भारत में आ गए, ये बताती है तमिलनाडु की। आपको याद होगा जो संगम एज है, जो संगम लिटरेचर लिखा गया, तीन संगम आए उसमें, संगम जो थे उसमें तीन संगम आए थे, पहले, दूसरे और तीसरे, और ये लगभग पहली से लेके तीसरी शताब्दी के मध्य लिखे गए, कहीं कहीं आपको पहली से पांचवी शताब्दी भी मिल जाएगा। और इनको पेट्रोनेज जो मिला हुआ था वो पांड्या डायनेस्टी जो है उनका मिला हुआ था, उनके जो रूलर थे वही ये संगम लिटरेचर को, ये जो कवि आते थे और ये जो ऑथर आते थे इनको कंपाइलेशन जो हुआ करता था उस समय का उनको ऑर्गेनाइज करवाते थे। तो पांड्या जो रूलर थे उन्होंने तो इनको पेट्रोनेज दिया, संरक्षण दिया। चेरा, चोला और पांड्या जो है इन तीनों की इसमें हिस्ट्री मिलती है आपको संगम एज में, उस समय का जो लिटरेचर है उसके तीन हुए थे, ये संगम तीन हुए थे, ठीक है। तो ये तमिलनाडु जो है ये उस समय तमिलनाडु का जो हिस्सा है दो भागों में मान ले आप, यहाँ पे चोला डायनेस्टी के भी आता था और पांड्या डायनेस्टी के भी, और पांड्या डायनेस्टी ने इनको पैट्रोनिज दिया था। बीठापाल और दीमान, द टू ग्रेट आर्टिस्ट इन द इंडिया इन दैट इंडिया द हेड प्रोड्यूस बिलोंग टू द डायनेस्टी, कौन सी एज और कौन सी डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे बीठापाल और दीमान। यहाँ पे पाल दिख रहा है ना भाई, सीधा पाल जयपुर, पाल डायनेस्टी से थे। पाल डायनेस्टी ने कहाँ पे रूल किया था, मैंने बताया था आपको, जो बंगाल बिहार वाला इलाका है भारत में, यहाँ वाला इलाके में इस पाल डायनेस्टी ने रूल किया था। गोपाल इसका फाउंडर था, 8वीं से लेके लगभग 12वीं शताब्दी तक इन्होंने भारत के इस हिस्से में बिहार बंगाल वाले इलाके में रूल किया है, और आगे चल के इन्होंने उज्जैन तक भी रूल किया है, क्योंकि आपको पता है त्रिकोणीय संघर्ष था, इधर गुज्जर प्रतिहार थे, इधर राष्ट्रकूट थे, और इधर ये आपके पाल डायनेस्टी थी, तीनों के बीच में ये जो इलाका है हमारा आज के समय वहाँ पे, जहाँ पे जो कैपिटल थी हर्षवर्धन की कौन सी थी, कन्नौज, हाँ, अब याद है कन्नौज के ऊपर इनकी यहाँ पे चल के तीनों का पॉइंट मिलता था, तीनों की बाउंड्री टच होती थी और यहाँ पे इनकी एक तरीके से पावर स्ट्रगल चलता रहता था, ओके। फिर अब विच चोला किंग फाउंडेड द सिटी ऑफ पुहार, पुहार सिटी जो है उसका फाउंडर कौन था, ये तमिलनाडु में पुहार शहर है, पुहार सिटी जो है वो तमिलनाडु में है, और इसका जो डायनेस्टी की शुरुआत की थी, इस सिटी की शुरुआत की थी वो चोला डायनेस्टी ने की थी, और करिकार नाम का रूलर था उस समय, ये मैंने बढ़ाया है चेरा चोला और पांड्या के इतिहास में, तो उसने इस सिटी को की फाउंडेशन रखी थी। आज इस शहर को किस नाम से जाना जाता है, कावेरीपट्टनम, कावेरीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। तो कावेरीपट्टनम या फिर ये क्या बोलते हैं हमारा पुहार, एक ही है, ध्यान रखना है इस चीज को। चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय सेकंड वाज डिफीटेड बाय, ये पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया भाई, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। तो अब मैं रख देता हूँ नाम इस तरीके से कि आपको थोड़ा सा इसको याद रहने में अच्छे से रहे, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ये सबसे ऊपर है क्योंकि इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, याद रखने के तरीके बता रहा हूँ, ये हर्षवर्धन आ गया, तीनों ही बड़े पावरफुल रूलर थे, ठीक है, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो कि वर्धन डायनेस्टी या पुष्पवती डायनेस्टी का रूलर है उससे ऊपर कौन आ गया, पुलकेशिन, यानी कि उससे पावरफुल हो गया, इसको हराया था, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय से भी ऊपर नरसिंह वर्मन जो है, ये तो चालुक्य डायनेस्टी का आ गया हमारा, और ये कौन सा डायनेस्टी है, ये पल्लव डायनेस्टी का आ गया। तो पल्लव, चालुक्य और वर्धन, और वर्धन के साथ साथ इसका दूसरा पुष्पभूति भी नाम था, पुष्पभूति डायनेस्टी भी बोलते थे। तो हर्षवर्धन 647 तक शासन किया था, हालांकि ये
पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हराया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन का पूरा इलाका ही कैप्चर कर लिया था। एक बैटल हारी थी नर्मदा नदी के किनारे, लेकिन हर्षवर्धन नर्मदा से इधर साउथ में नहीं जा पाया और पुलकेशिन इधर नॉर्थ में नहीं जा पाया, ये चीज रही थी। तो किसने रहा? नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था पुलकेशिन द्वितीय को। ओके चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ चोला किंग, चोला जो रूलर थे, चोल वंश के जो रूलर थे, इनकी राजधानी कौन सी थी? देखो चोल डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी? विजयाला ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, विजयाला ने शुरुआत की थी लगभग 850 एडी में। ठीक है, 850 एडी में जब इसकी शुरुआत की थी तो कहाँ, कौन सी जगह को इनकी राजधानी बनाया? तो सबसे पहले उन्होंने बनाया था तंजोर को। तंजोर जो है उसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है अगला क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, जो पल्लव वंश जो था उसकी राजधानी कौन सी थी? तो पल्लव डायनेस्टी कहाँ पे थी? पहली बात तो ये है, यहाँ पे आपको मैंने बताया चालुक्य डायनेस्टी जहाँ पे थी वहीं पे लगभग पल्लव डायनेस्टी थी। तो इसका शुरुआत किसने की थी? सीमा विष्णु। देखो ये नाम मैंने लिखा भी हुआ है फिर भी मेरे को याद नहीं रहता। सीमा विष्णु ने इसकी शुरुआत की थी। और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी होती थी? इनकी राजधानी होती थी कांचीपुरम। तो कांचीपुरम मैंने पहले भी बताया, ये तो थोड़ी देर पहले भी आपको, कि पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल जब हम बात कर रहे थे हमारे पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन की, तो कांचीपुरम इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, फिर मेंशन द सेंटर ऑफ रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज के समय जो रोमन अंपायर के साथ ये जो दक्षिण भारत के जो अंपायर थे ये ट्रेड करा करते थे, उसका सेंटर कहाँ था? उसका सेंटर था भाई मुसिरी। एक छोटा सा शहर है मुसिरी और उस बंदरगाह का नाम दोनों जगह के टेक्स्ट में मिला है, संगम एज के लिटरेचर में भी मिला है और रोमन टेक्स्ट जो है वहाँ के वहाँ भी मिला है, कि यहाँ से मेनली मसाले का ट्रेड जो था वो एक्सपोर्ट किया जाता था रोमन अंपायर को, ये जो यूरोपियन उस समय अंपायर हुआ करता था उसको। ठीक है, उत्तरा मेरारू इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, कौन सी डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये उत्तरा मेरारू इंस्क्रिप्शन अभिलेख जो है ये बताता है? तो ये बताता है चोला डायनेस्टी के बारे में, चेरा चोला पांड्या। इस तरह से याद रखना, पहले लेफ्ट से शुरू करेंगे चेरा, इधर चोला और इधर पांड्या, और चोला जो वंश है उसके बारे में ये उत्तरा मेरारू अभिलेख आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था, उनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके राजा किस तरीके से काम करते थे, किस तरीके से चुने जाते थे, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड, ये पुलकेशिन सेकंड वही अभी थोड़ी देर बात कर रहे थे चालुक्य रूलर जिसने हर्षवर्धन को हराया, इसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है? तो ये मिलती है एहोल अभिलेख जो है ये रवि कीर्ति ने लिखा था, इसका राज्य कवि हुआ करता था रवि कीर्ति ने लिखा था इसको, और इसके अंदर आपको जो चालुक्य रूलर पुलकेशिन द्वितीय है इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी लड़े गए युद्ध, इन्होंने जब हराया हर्षवर्धन को, वो सारी चीजें आपको इसी के एहोल अभिलेख में आपको मिल जाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्ली कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश की अर्ली शुरुआती कैपिटल कौन सी थी? तो एलोरा थी भाई, एलोरा आज के समय महाराष्ट्र में जो आते हैं यहाँ पे, ये इनका शासन था, ये वाला इलाका ही इनका शासन था, आपको पता है मुंबई महाराष्ट्र और ये जो आज का कर्नाटक वाला इलाका है यहाँ पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी प्रोमिनेंटली रूल कर रही थी और ये एलोरा इनकी कैपिटल हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाद में आगे चल के जब दूसरी डायनेस्टी चालुक्य डायनेस्टी आती है तो वतापी जो है पहले वतापी जो थी चालुक्यों की थी। ठीक है, और ये इनकी है। ठीक, आगे चलिए, वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द चोला लोकेटेड, ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये चोला पीरियड में बना और राजा राज टेम्पल भी इसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, राजा राजेश्वर आपको चोला किंग याद होगा जो शुरुआत का क्वेश्चन था वहीं से शुरू करते हैं। तो राजा राजेश्वर टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है ये पूछा है आपसे, तो इसका आंसर है तंजावूर में ये आपका मंदिर मिलता है। हु वर द पेट्रोनेज ऑफ संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर को संरक्षण किन्होंने दिया? तो ये दिया था भाई पांड्या रूलर्स ने, मैंने बताया आपको पांड्या रूलर्स ने ही जो तीन संगम एज जो
ग्रंथियां हुई थी जो तीन संगम पीरियड हुए थे। संगम पीरियड तो एक ही था एक्चुअली, उसमें तीन संगम हुए थे। संगम हुए थे किनके? ऑथर्स और पोएट्स के, जो हिस्ट्री लिख रहे थे उस समय। और संस्कृत में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखने को मिली हैं, संस्कृत में भी मिली हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे तमिल में भी मिली हैं, ठीक है। तो ये तमिल लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर कौन सा था? ये था संगम लिटरेचर का, जो समय है पहली से लेकर तीसरी शताब्दी तक, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और ये जो अभिलेख था, एहोल अभिलेख रवि कीर्ति, ये संस्कृत में भाषा में लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। और कन्नड़ जो उस समय की जो वो थी लिपि थी उसमें लिखा गया है, संस्कृत भाषा और कन्नड़ की जो लिपि है उसमें लिखा गया है। देखो ये अभिलेख और बुक से रिलेटेड मैं आपको आने वाला वीडियो है उसी में कराऊंगा, दो वीडियो लेके आऊंगा 40-40 क्वेश्चन के, जिसमें जो पहले की जो बुक्स हैं, जो अभिलेख लिखे गए हैं, जो ऑथर्स हैं, उनके बारे में जो चीज़ें हैं, लिटरेचर है, ये सारी चीज़ें हम आर्ट लिटरेचर उसी में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह के क्वेश्चंस और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।